नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। टी20 विश्व कप में पाकिस्तान की टीम ने भारतीय टीम को क्या हराया कि भारत में मौजूद पाकिस्तान प्रेमियों की जमात ने अपना असल रूप दिखाना शुरू कर दिया। कहीं जश्न मनाया गया तो किसी ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को बधाइयां देते हुए भारतीय टीम का जमकर मजाक उड़ाया। इन देश विरोधियों की हरकतों पर लोगों ने अपना गुस्सा भी खूब जाहिर किया, जिसके बाद कई जगह इन गद्दारों पर एक्शन भी हुआ। खासकर यूपी में तो सीएम योगी ने इन्हें गिरफ्तार करने के साथ ही देशद्रोह का केस ठोकने का सीधा आदेश दे दिया था, जिसके बाद तो पुलिस ने इनका जमकर इलाज किया। लेकिन इसी बीच अब एक ऐसा ही मामला सामने आया है रामपुर से, जो आपको भी चौंका देगा। दरअसल यहां एक परिवार ने मैच में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का मजाक उड़ाते हुए व्हाट्सएप पर स्टेटस डाल दिया। इन लोगों ने आतिशबाजी भी की थी। ये बात परिवार के दामाद को पता चली तो उसने गंज कोतवाली में ससुराल के लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने उनकी शिकायत पर परिवार के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोपियों में युवक की बीवी भी शामिल है। अपने ही ससुराल वालों पर मुकदमा दर्ज कराने वाला युवक अजीम नगर के गांव सीगन खेड़ा का ईशान मियां है। उसकी ससुराल गंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला थाना ट्रीन में है। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी से अनबन हो गई थी, जिसके बाद वो मायके आ गई और वहीं रहने लगी। महिला ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करा दिया था। अब युवक ने शुक्रवार को तहरीर देकर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया है। मुकदमे में युवक ने आरोप लगाया कि 24 अक्टूबर को टी20 विश्व कप में भारत बनाम पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच हुआ था। इसमें भारत मैच हार गया था। देश की टीम के हारने पर उसके ससुराल वालों ने व्हाट्सएप पर भारतीय खिलाड़ियों का मजाक बनाते हुए स्टेटस लगाया था। तो अब इस मामले में पुलिस ने 153 और 86 आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस जांच के साथ ही इस मामले के आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। तो इस तरह से एक पति ने ही अपनी पाक परस्ती पत्नी के खिलाफ ही केस दर्ज करा दिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं होता और जो देश का नहीं है वो किसी का भी नहीं हो सकता। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।